फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी हो रहा था सुबह का समय और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब उठने का मन ही नहीं करता है, इतनी ज़्यादा ठंड है। फिर क्या कर सकते हैं, उठना तो मजबूरी है। तो बस मैं उठी और उठने के बाद मैंने सबसे पहले लगा लिया था झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद कर लिया था पोछा, और झाड़ू पोछा हो गया था उसके बाद फिर मैं नहा के पूजा करके आ गई थी किचन में। तो उसके फिर किचन में आने के बाद मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो इधर मैं बना रही थी आलू की सब्ज़ी, इसकी भुजिया बना रही थी मैं आलू की, और दूसरी साइड में बना रही थी पोहा। आज ब्रेकफास्ट में पोहा खाने का मन था तो बस उसी की प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर दी थी साथ ही साथ। और इधर नाश्ता भी बना रही थी, मतलब टिफ़िन इन लोग के लिए बनाना रहता है तो बना रही थी, क्योंकि पोहा ना सब लोग नहीं खाते हैं घर में, तो मेरा ही मन था खाने का, तो मैंने बना लिया था सबके लिए थोड़ा थोड़ा सा, जिसका मन होगा खाएगा। तो बस दोनों साइड मेरी कढ़ाई छोड़ी हुई थी और इधर मेरी सब्ज़ी बन के रेडी थी, और इधर पोहे में मैंने काफ़ी वेजेस डाल देती हूँ, मतलब जितनी भी मेरे पास अवेलेबल होती है तो मैं सब वेजेस डाल देती हूँ, क्योंकि जितनी वेजेस डालूँगी उतना हेल्दी हो जाएगा, कोई इशू तो रहता नहीं है। तो बस इसीलिए मैंने जो भी वेजेस मुझे मिलती जाती है मैं डालती जाती हूँ। तो मेरा पोहा इधर बन रहा था और इधर तक मैंने आटा लगा लिया था, और उसके बाद हस्बैंड ने डिनाई कर दिया कि मुझे पोहा नहीं खाना है, तो उनके लिए फिर मैंने पराठे सेक दिए थे, तो उन्होंने पराठा खा लिया था। और पापा को मैंने बनाया था तो पापा को मैंने खिला दिया था गरम गरम ही, क्योंकि गरम ही अच्छा लगता है, फिर ठंडा होने के बाद उसको वापस गरम करो तो वो मज़ा नहीं आता है। तो बस इसीलिए मैंने पापा को दे दिया था चाय और पोहा, और फिर बाकी लोगों के मैंने पराठे सेक दिए थे, और उधर मैंने दाल भी बना दी थी। तो बस हस्बैंड को दे दिया था पराठा सब्जी, और फिर देवर को भी पराठा सब्जी ही खिला दिया था। और इन लोग को खिलाने के बाद इन लोग का मैंने टिफ़िन भी पैक कर दिया था, क्योंकि लेकिन हाँ टिफ़िन भी मैं पैक कर देती हूँ, ऐसे मुझे पराठे बनाने में टाइम लग जाता है, तो मेरे पास बहुत टाइम था, क्योंकि मैंने थोड़ा जल्दी ही स्टार्ट कर दिया था खाना बनाना, तो इसलिए मेरे पास बहुत टाइम था। और जब मैं साथ साथ टिफ़िन पैक करती जा रही थी तो इन लोग का टिफ़िन फिर दे दिया था ये लोग को, ये लोग ऑफिस के लिए निकल गए थे। उसके बाद फिर मैंने किचन में आई और आशी भी उठ गई थी, तो उठने के बाद उसको मतलब चाहिए रहता है थोड़ा सा टाइम, जो कि सुबह नहीं मिल पाता है उसको एज़ यूजल, क्योंकि जिस टाइम मैं उठती हूँ उस टाइम मैं किचन में बहुत बिजी रहती हूँ तो मैं उसको उतना टाइम नहीं दे पाती हूँ। तो बस मैंने उसको थोड़ा सा दूध पिलाया, और उसको दूध नहीं पसंद है, ज़बरदस्ती उसको पिलाना पड़ता है, तो थोड़ा सा उसको दूध पिलाया। उसके बाद फिर मैंने नाश्ता किया, क्योंकि पोहे ठंडे हो रहे थे, और मैंने उसको फिर गर्म किया और चाय बनाई अपने लिए। तो मम्मी को और अपने लिए दोनों लोग के लिए मैंने नाश्ता दिया, फिर हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया। उसके बाद मैं आ गई थी रूम में, तो रूम में आने के बाद मैंने बेडिंग की और आशी के कपड़े निकाल दिए थे, क्योंकि उसको नहलाने जा रही थी, तो बस आशी को मैंने नहला दिया था, और उसको नहला के फिर मैंने उसको खाना भी खिला दिया था, तो जो भी उसका फूड था मैंने उसको खिला दिया था। और उसके बाद फिर मैं उसके साइड से फ्री हो गई थी कि अब मुझे आशी का टेंशन नहीं है, और उसको मैंने दादी को दे दिया था उसकी, तो अपनी दादी के पास थी जब तक मैंने सोचा कि मैं किचन का ही काम कर लेती हूँ। तो फिर मैं आ गई थी किचन में, और उसके बाद फिर मैंने जल्दी बर्तन थे सारे धो दिए थे, तो सारे बर्तन धो चुके थे। और उसके बाद ना फिर मैंने राइस भी बना दिया था, क्योंकि मम्मी पापा दोनों लोगों ने पोहा ही खाया था तो हम लोग को भूख तो लगनी ही थी। तो ये लंच मैंने रेडी कर दिया था, चावल दाल रेडी किया था, तो दाल मैंने मॉर्निंग में बना दी थी, अभी बस राइस बनाने थे। तो बना के मैंने पापा मम्मी को खाना दे दिया था खाने के लिए, तो दोनों लोग खाना खा रहे थे और आशी सो गई थी। तो बस मैं सारे कपड़े लेके आ गई थी ऊपर छत पे, और जो सब ऊपर आने का तभी मतलब कल के सारे कपड़े थे तो सब सूख गए थे, क्योंकि मुझे दोपहर हो गई थी कपड़ों को लेकर आने के लिए, तो सारे कपड़े सूख गए थे। और मैंने सारे कपड़ों को उतार के रख दिया था, और जितने कपड़े मैं लेके गई थी वो सब मैंने सुखा दिए थे।
तो बस सब अपना काम ख़त्म मेरा हो चुका था, उसके बाद थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया और फिर ये शाम का समय है और दिन भर के जो बर्तन थे, मतलब मैंने सुबह तो एक बार धो ही दिया था, फिर दोपहर के जो बर्तन हो गए थे वो भी देख रहे हो आप कितने सारे निकल गए हैं। तो बस सारे बर्तनों को फिर मैंने वापस से धुल दिया था और बर्तन धोने के बाद फिर चाय बना ली थी और चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं वापस से खाना बनाने के लिए लग गई थी। यहाँ पे रिद्धू भी बैठा हुआ था, बहुत देर से बैठा था वो, तो बहुत बात करता है वो मेरे साथ बैठ के किचन में, तो बस वो बोल रहा था, परेशान भी करता है साथ साथ क्योंकि शैतान बहुत ज़्यादा है। अब बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो कौन करेगा, पर होता है ना, बच्चा मेरा कुछ ज़्यादा ही शैतान है, वो इतना बदमाशी करता है। पर जो उसको मैंने जैसे जैसे वहाँ से भेजा, क्योंकि इतना सेफ नहीं है शैतान बच्चों के लिए, तो किचन एकदम सेफ नहीं रहता है, दिमाग में क्या क्या खुरापाती चलती है इनके हम भी नहीं जानते। तो बस मैंने जिद्दू को किचन से भेज दिया था, उसके बाद फिर मैंने खाना बना लिया था। तो एक तरफ बन रही थी आलू गोभी की सब्ज़ी और एक तरफ बन रही थी आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो जो आलू टमाटर की सब्ज़ी थी ना, इसमें मैंने मिर्च नहीं डाली थी, बिना स्पाइस के बनाया था, क्योंकि मिर्च नहीं रहेगी तो जिद्दू भी खा लेगा और मैंने अपने लिए भी यही बनाया था। तो बस रिद्धू और मैं यही थी सब्ज़ी, और फिर राइस हो चुके थे, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे मतलब सब्जी हो चुकी थी तो फिर मैंने राइस डाल दिए थे और साथ में यहाँ पे पराठा बना रही थी, क्योंकि पराठा खाना था सब लोग को। तो बस हाँ, मैं यहाँ पे पराठे बनाती जा रही थी और फिर सबको मैं डिनर कराती जा रही थी। जल्दी डिनर हो गया था तो मैं सोचती हूँ ना कि शाम के टाइम पे जल्दी से जल्दी फ्री हो जाओ तो अच्छा है, क्योंकि ठंड बहुत है और लेट करके कुछ मतलब नहीं होता है। जितना जल्दी अपना काम ख़त्म हो जाए, सबको खिला लो, सब बेड पे रहे वो ठीक है, क्योंकि अगर हम बेड पे जल्दी आएंगे तो बच्चे भी बेड पे जल्दी आ जाएंगे। और ठंड इतनी है कि बच्चों को शैतानी करनी ही करनी है, जगना ही जगना है, तो लेट तक जगें जल्दी जगें इसका कुछ मैटर नहीं करता है, बट वो बेड पे ही रहे वो ठीक है। तो बस इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी अपना सारा काम ख़त्म करके आ जाऊँ अपने रूम में, और ये दोनों भी रूम में ही रहें, ब्लैंकेट में ही रहें। तो इसीलिए फिर मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी से खाना बना दिया था और बनाने के साथ ही सबको खिला पिला भी दिया था। और यहाँ पे रिद्धू मेरे से बोलने आया था कि मैं आप ही के साथ खाऊँगा, मेरा खाना मत निकालना। मैंने उसको बोला भी कि आप खा लो, मैं खाऊँगी तो बाद में खिला दूँगी। और उसके बाद फिर मैंने सबको खाना खिला दिया था और खिलाने के बाद फिर अपना भी निकाल दिया था और रिद्धू के लिए भी खाना निकाल दिया था। तो बस सबको खिला पिला के मैंने भी खा पी लिया था और फिर उसके बाद वापस आ गए थे किचन में और सारे बर्तनों को धुल दिया था और बस अपना पूरा किचन वगैरह क्लीन कर लिया था और सारा काम मेरा ख़त्म हो चुका था। और उसके बाद फिर बस अब सोने की तैयारी हुई। तो बस इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर नहीं पसंद आ रही हैं तो बताइए क्या रीज़न है कि आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद नहीं आ रही हैं। प्लीज़ सपोर्ट करिए गाइज। बस इसे यहाँ पर अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।